नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भीम और जरासंध का युद्ध होने की तैयारी हो गई है, क्योंकि जब कृष्ण ने जरासंध से कहा कि मैं, भीम और अर्जुन तीनों आपके सामने खड़े हैं, आपको किससे युद्ध करना है, आप निर्णय कर लीजिए। तो उसने कहा कि भाई, अगर करना ही है युद्ध तो किसी बलवान के साथ करना चाहिए, तुम और अर्जुन तो बिल्कुल ही सामान्य हो। और ऐसा निर्णय करके भीम के साथ वो युद्ध करना शुरू करता है। ततस्तौ नर शार्दूलौ बाहुशस्त्रौ समीयतुः वीरौ परम संहृष्टा अन्योन्य जय कांक्षिणौ। एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने की इच्छा से दोनों योद्धा। देखिए, सेना का युद्ध नहीं, और किसी की मृत्यु नहीं, और किसी का कोई हानि नहीं, कहीं प्रजा को कोई नुकसान नहीं, इस प्रकार से जब फैसले होते हैं, ये कृष्ण की राजनीति है। कर ग्रहण पूर्वम तु कृत्वा पादाभिवंदनम कक्षै कक्षां विधुनवाना वास्फोटम तत्र चक्रतु। हाथ मिलाए, पादाभिवंदनम, एक दूसरे को प्रणाम किया है। ये नहीं कि युद्ध है तो सारे धर्मों को भूल जाए। और जरासंध तो संपूर्ण प्रकार से धर्म की नीति करके ही इस प्रकार से युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, नहीं तो तीनों को बंदी बना दो और डाल दो कारावास में। उसके पास ये ताकत भी है और राजनीति भी है, उससे कहती थी, लेकिन एक ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो इनको बंदी नहीं बनाया जाएगा। ऐसे योद्धा के प्रति सम्मान सबके मन में होता है। भीम और जरासंध ने, दोनों ने एक दूसरे से युद्ध के पहले हाथ मिलाए हैं, एक दूसरों की वंदना की है। स्कंदे दोर्भ्याम समाहत्य निहत्य चा मुहुर्मुहु अंगई अंगई समाश्रित से पुनरास फालनम विभो। और फिर मल्लयुद्ध शुरू हो गया है। महर्षि वेदव्यास बहुत सारे दाव पे जानते हैं, स्पष्ट यहां संकेत है, यहां वर्णन किए उन्होंने। मैं तो उन सारे दाव पेज को नहीं जानता हूं, लेकिन अभी एक दंगल फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे दाव पेज बताए थे, लेकिन वो तो खाली कुश्ती थी, यहां तो फ्री स्टाइल कुश्ती है। घूसे मारो, लात मारो, सिर मारो, जो मारो, जैसे मारो, सामने वाले को परास्त करना है। स्कंदे दोर्व्याम, कंधे खींच करके, समाहत्य कंधों का प्रहार करके, निहत्य मार के, धीरे धीरे अंगई अंगई समाश्रिष्य अंगों से अंगों को टकरा करके, पुनरास फालनम विभो, और फिर धक्का मारना, एक दूसरे को पीछे धकेलना, एक दूसरे को खींचना, ये सब कुछ चल रहा है। चित्र हस्ताधिकम कृत्वा कक्षा बंधम च चक्रतुः गलगंडा विघाते ने सस्फुलिंगे ने चार सनी। विविध प्रकार के दाव पेच के नाम दिए हैं। चित्र हस्ताधिकम कृत्वा, कक्षा बंधम, कमर को पकड़ लेना, गलगंडा विघाते ने, गले को पकड़ के गले पे प्रहार करना है? इस प्रकार से तरह तरह के दाव पेच लगाते हुए दोनों योद्धा भयंकर युद्ध कर रहे हैं। कभी कमर को पकड़ते हैं, कभी कंधों को पकड़ते हैं, कभी हाथों से हाथ पकड़े जाते हैं, कभी एक दूसरे को धक्के मारे जाते हैं, कभी बहुत सारे दाव पेच दिए हैं। एक देखते हैं, कर संपीड़नम कृत्वा गर्जन्तो वारणाभिव, हाथ मसलते हुए और महान हाथियों की तरह गर्जना करते हैं। नर्दंतो मेघ संकासो बाहु प्रहरणा भो, और एक दूसरे को भुजाओं की टक्कर मारते हुए भयंकर युद्ध कर रहे हैं। सर्वातिक्रांत मर्यादा, सभी मर्यादाओं का परित्याग करके, पृष्ठ भंगम च चक्रतु, पीठ जमीन पे लगा दो, ठोक दो जमीन के साथ में, संपूर्ण मूर्छाम बाहुभ्याम पूर्ण कुंभम प्रचक्रमतु, और किसी भी प्रकार से सामने वाले को बेहोश कर दो, मूर्छित कर दो, मारो। त्रड़ पीडम यथा कामम पूर्ण योगम मुष्टिकम एव मादीनि युद्धानि प्रकुर्वन्तो परस्परम, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाए ऐसे उमेटना, हाथ पकड़ में आ गया तो हाथ को घुमाते जा रहे हैं, सामने वाला उसके बीच में से निकल जाता है तो वो आंटी निकल जाएगी, नहीं तो उसका हाथ मुड़ता चला जाए, इस प्रकार से तरह तरह से, कहीं पैर मरोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ मरोड़ा जा रहा है सामने वाले दुश्मन को। अब इस प्रकार का जब दोनों का मल्लयुद्ध चल रहा है, तो तयोर युद्धम ततो दृष्टुम समेता पुरवासिना, सारे नगर के लोग वहां इकट्ठे हो गए, ब्राह्मणा वणिजश्चैव क्षत्रियाश्च सहस्रशः, हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए।
कार्तिक कस्य तु मासस्य प्रथमम अहनी प्रवृत्तम। कार्तिक महीने की प्रथमा तिथि को यह युद्ध शुरू हुआ। अनाहारम दिवारात्रम अविश्रांतम अवर्तत, बिना खाए पिए बिना विश्राम किए ये युद्ध लगातार चल रहा है। बीच में नहीं खाना नहीं पानी नहीं सोना, लगातार ये युद्ध चल रहा है। तदवृत्तम तु त्रयोदश्याम समवेतम महात्मनो, त्रयोदशी तक ये युद्ध ऐसे ही दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हुई है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था जरासंध की उम्र 85-90 के आसपास है और भीमसेन तरवरियो युवान गुजराती माँ के भाई ने नवयुवान है और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा। 13 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। चतुर्दश्याम निशायाम तु निर्वृत्तो मागधा क्लमात, चतुर्दशी को 14वें दिन रात्रि के समय जो मगधाधिपति जरासंध है निर्वृत्तो क्लमात, थकान महसूस करता थक गया है। तम राजानं तथा क्लांतं दृष्ट्वा राज जनार्दनः उवाच भीमकर्माणं भीमं संबोधयन्निव, उस समय श्री कृष्ण जो हैं उसको थका हुआ देख करके और भीम से कहते हैं, भीमकर्मा भयंकर कर्म करने वाले भीम से कहते हैं, क्लांतः शत्रुर्न कौन्तेय लभ्या पीडयितुमरणे पीड्यमानो हि कार्तिकेयने जह्या जीवितमात्मनः। भैया जब दुश्मन थक गया हो ना तो उसको जरा दबाना वाना नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि योद्धा जब थक जाता है ना तो वो जमीन पे पड़ जाएगा, ऊपर वाला उसको मार रहा कूट रहा है लेकिन उसके मारने कूटने से उस पर असर नहीं होता है क्योंकि वो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन इतनी बार में थोड़ा सहता लेता उसको थोड़ा आराम मिल जाता है और फिर वो मल्लयुद्ध में लग जाता है। तो कृष्ण ये सिखा रहे हैं भीम से, ये कह रहे हैं क्योंकि बुद्धि कृष्ण की ही काम करने वाली है कि भैया अगर ज्यादा इसको पीड़ा देते हैं ना, और नगर के लोग हैं सबके सामने ये तो सीधा सीधा नहीं कह सकते कि इसको मार डालो, भाई इसको ज्यादा पीड़ा पहुंचाओगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे तो ज्यादा पीड़ा नहीं दी जा सकती है। तस्मात् ते नैव कौन्ते पीड़नी योजनाधिपः, इसलिए हे कौन्ते तुम्हें उसको ज्यादा पीड़ा नहीं देनी है। सममेतेन युद्धस्य बाहुभ्यां वर्तरसव, भाई भुजाओं से जिस तरीके से युद्ध करते हो लोगों को बताने के लिए कहा जा रहा है कि उसको ज्यादा पीड़ा नहीं देना नहीं तो मर जाएगा, लेकिन यह कह के भी इशारा दिया जा रहा है कि अब यार जो करना है निपटाओ जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। ततः तस्माजितम जेतुम जरासंधम मृगोदरा संरम्भम बलिनाम श्रेष्ठो जग्राह कुरुनंदन, तब जो भीम जो है वो बड़ी मजबूताई से जरासंध को जीतने के लिए मारने के लिए अपना मन बनाते हैं। महर्षि वेदव्यास इसका वर्णन करते हैं, जरासंधस्य तद्रूपम ज्ञात्वा चक्रे मतिम वधे, उसको मारने की मन यहाँ पे बना लिया है। और भीमसेना कृष्ण मुवाच, भीमसेन कृष्ण से कहते हैं, हे यदुनंदन बुद्धिमास्थाय विप्लाम जरासंध वधेप्सया नायम पापो मया कृष्णे युक्ता स्याद अनुरोधयितुम प्राणिन यद शार्दूले बद्ध कक्षेण वाससा, अरे ये इतना मजबूत है कि मैं इसको मारना चाहूं तो भी इसको मारना संभव नहीं है, बड़ा मजबूत है। एव मुक्तस्तता कृष्ण प्रत्युवाच मृकोदरम, तब कृष्ण मृकोदर से भीम से कहते हैं, त्वरेण पुरुष व्याघ्रो जरासंध वधेप्सया, अरे भाई देर मत करो, अगर इसको थोड़ा विश्राम कर लिया तो फिर आपके साथ लड़ने लग जाएगा, हैं जल्दी से। यदते दैवम परम सत्वम यच्चते मात ऋष्वनः बलम भीम जरासंधे दर्शयासु तदद्यना, देखिए यहां कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनके दो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। एक अर्थ जो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यह है कि कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा, अरे भीम से यह कहा कि आप इसको मार दो और भीम ने इस चीज का मन बना लिया, लेकिन यहां अर्थ यह भी प्रकट होता है कि भीम ये कहते हैं कि अब यह हार गया है और हारा हुआ योद्धा इसको मारा नहीं जाता है क्योंकि जब वो परास्त हो गया तो उसने हार स्वीकार कर ली और हार स्वीकार कर ली तो उसको मार डालने से क्या फायदा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं यतते दैवम परम सत्वम, जो तुम में ताकत है यच्चते मातरश्विना, जो तुम्हारे मातरश्विन यानी वायु देवता का जो तुम में शक्ति है
बलम भीम जरासंधे दर्शयातु तदद्यना, आज तुम उसका पूरा प्रदर्शन यहां जरासंध के ऊपर कर दो, क्योंकि उसको छोड़ देना इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कृष्ण क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए, एव मुक्त सदा भीमो जरासंध अरिंदमा उक्षिप भ्रामयामा से बलवंत महाबला। तुम्हें इसको मार ही डालना होगा, ये जब कृष्ण ने कहा तब भीम उसको उठा करके भ्रामयामा से उसको गोल गोल घुमाते हैं और उसके बाद उसको पृथ्वी पर पछाड़ते हैं। भ्रामयित्वा सद्गुणम 100 गुना घुमा करके जानुभ्याम भरतर सब और अपनी जांघ के ऊपर बभंज पृष्ठम संक्षिप्य निशिस पिस्से पिननादहा उसको अपने घुटने के ऊपर पटकते हैं। इस प्रकार से उसकी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से तोड़ देते हैं और फिर जोर से सिंहनाद करते हैं। करे ग्रहित्वा चरणम द्वेधा चक्रे महाबला और हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ के एक पैर नीचे और एक पैर तो दोनों पैरों को जिस प्रकार से जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था, ये कथा जरासंध की सुनाने का कारण भी ये था कि उसको इस प्रकार से मारा जा सकता है। और उसी दाव को लगा करके भीमसेन ने जरासंध को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए हैं, 2 अलग अलग दिशाओं में उनको फेंका गया है। इस प्रकार से जब जरासंध को भीम मार देते हैं तो जैसे वो सो रहा हो इस प्रकार से उस जरासंध को उसके राजमहल के द्वार पे रख करके कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद, सुनते रहिए महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही।